Hello, welcome back friends. So our topic is to be continued. In the last video, the last two videos, we have discussed launching activity, which is most commonly used feature of intent. Okay, we are going to use this feature mostly within our application. Okay, then in the next video, means the last video, we have discussed started a service using intents. Also, we have discussed two type of intents, that is explicit and implicit intents. Now we will see this mechanism of sending some information or sending some intent or action from our application to the outside world. Or outside world means it may be notified to the other applications or other activities which are interested for this notification. Actually, it is not a notification, it is something that has happened. Okay, we will be throwing, we will be sending some action. Okay, so hame apni application mein se agar kuch broadcast karna hai, broadcast hum kya kar sakte, jo bhi karna hai hame broadcast, wo hum ek bataur ek intent kar sakte hai. लेकिन उस इंटेंट के अंदर हमें वो एक्शन रखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ये हमें उधर मेंशन करना होगा. तो वो जो हमारी एप्लीकेशन है जिसे हमने पिछले दो वीडियो से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी एप्लीकेशन में मैं अभी जाके एक और बटन उसमें ऐड कर देता हूँ. जो बटन था पहले, उसके नीचे और एक बटन मैंने ऐड करना है यहाँ पर, जिसको मैं बटन्स नाम दूंगा, आईडी दूंगा सेंड. ओके, सेंड, वी आर सेंडिंग ब्रॉडकास्ट, दैट्स व्हाई. और उसका कैप्शन मैं रखता हूँ यहाँ पे, सेंड सेंड ब्रॉडकास्ट. ओके, और उसके लिए एक मेथड भी यहाँ पे मैं बना देता हूँ इंटेंट डेमो में. यस, यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर लूँ, पब्लिक वर्ड सेंड ब्रॉडकास्ट वन, ऐसा नाम रखता हूँ. ओके, और उसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो तो व्यू ही रहेगी. ओके, इस मेथड को मुझे मेंशन करना है यहाँ पे अपने एक्सएमएल लेआउट में, या सेंड ब्रॉडकास्ट वन. ओके, और इस सेंड ब्रॉडकास्ट वन में अभी मुझे इंटेंट एक ब्रॉडकास्ट करना होगा, न्यू इंटेंट, और उसका मैं नाम दे देता हूँ. सपोज़ यहाँ पे हम कोई भी, मतलब कि जो प्री डिफाइंड है, ऐसा कोई भी इंटेंट अगर हमारे पास योग्य परमिशन है तो उसे भी हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, या अपना कोई इंटेंट भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं. जैसे कि माई डॉट इंटेंट, ऐसा मैंने एक इंटेंट बनाया, माई डॉट इंटेंट डॉट, केवल माई डॉट इंटेंट ही रखते. ओके, अब मैं इसको ब्रॉडकास्ट करवा सकता हूँ, सेंड ब्रॉडकास्ट, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये इंटेंट. बस क्या होगा, अभी ये जो मैंने यहाँ से भेजा है, कौन सा इंटेंट भेजा मैंने, माई डॉट इंटेंट, तो ये अभी क्या होगा कि यहाँ से ब्रॉडकास्ट होगा. ओके, अपनी एप्लीकेशन से ये ब्रॉडकास्ट होगा. अब जो भी रिसीवर है, जो कोई भी रिसीवर है, कि जो इस इंटेंट के लिए सुनना चाहता है, इस इंटेंट को प्राप्त करना चाहता है, वो रिसीवर अगर रजिस्टर्ड रिसीवर है तो उसको इसकी एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि भाई ये हुआ है ब्रॉडकास्ट. ओके, तो अभी तो कोई रिसीवर है नहीं हमारे पास, चलिए एक रिसीवर भी हम ऐड कर लेते हैं अपनी इस एप्लीकेशन में. यहाँ पे जाके हम नया क्लास एक ऐड करेंगे, न्यू अदर्स में जाके ब्रॉडकास्ट रिसीवर. ये हमने ब्रॉडकास्ट किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक ही रिसीवर को मिलेगा, ऐसा नहीं. जितने भी रिसीवर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं उनको सबको इसकी जांच मिलेगी. ठीक है, माय रिसीवर नाम इसका फिलहाल रखते हैं. ये रिसीवर का भी एक वीडियो मैं अलग से आपको शेयर करने वाला हूँ कि रिसीवर को किस किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं, किसी भी एक्शन को रिसीव करने के लिए, किसी भी ब्रॉडकास्टेड इंटेंट को रिसीव करने के लिए. तो आप देखिए कि यहाँ पे भी जो हमें
जो क्लास बना रिसीवर का, उसमें एक मेथड ओवरराइड हो गई है ऑन रिसीव। ये रिसीवर हम जिस इवेंट के लिए बना रहे हैं, वो इवेंट जब ब्रॉडकास्ट होगी, वो इंटेंट जब ब्रॉडकास्ट होगा, तब इस इंटेंट की ऑन रिसीव मेथड कॉल होगी। और जब ये ऑन रिसीव मेथड कॉल होगी, तो आप देख सकते हो कि इसमें जो आर्ग्यूमेंट हमें मिल रही है वो इंटेंट की जो ब्रॉडकास्ट हुआ है। ओके, हमने यहाँ से जो ब्रॉडकास्ट किया है इंटेंट, वही इंटेंट वहाँ पे मिल रहा है। अगर हमने इसके अंदर कुछ डेटा रखा तो वो डेटा भी वहाँ पे मिलेगा, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, जैसे कि मैसेज हम रखते हैं। ओके, और उसकी वैल्यू दिस वॉज ब्रॉडकास्ट है कुछ भी। ओके, वो भी हम वहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं, माय रिसीवर, यहाँ पे इंटेंट में वो डेटा होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जस्ट एक टॉस मैसेज डिस्प्ले करते हैं, गेट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा एक्चुअली, क्योंकि हम एक्टिविटी के बाहर रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट हमें एज ए आर्ग्यूमेंट मिल रहा है, तो वही कॉन्टेक्स्ट को हम एज ए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। दूसरी आर्ग्यूमेंट हमारा जो मैसेज होगा कि रिसीव, ओके, क्या रिसीव किया हमने, तो इंटेंट डॉट गेट एक्शन, जो भी एक्शन है हमारी जो सेट की है हमने, वो यहाँ से वो रिट्रीव होगी। ठीक है, बस हमें इतना ही अभी तो करना है, इसको रन करके देखते हैं। हमने जो एक्शन सेट की थी उसके ऊपर वो क्या थी, एक्शन माई डॉट इंटेंट, तो वो माई डॉट इंटेंट यहाँ पे हमें प्राप्त होगा। और हम अगर ये करना चाहते हैं कि मैंने जैसे आपको बोला कि जो डेटा उसमें रखा है वो भी हम निकाल सकते हैं, वो भी अगर हम चाहते हैं निकालना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम इजीली कर सकते हैं माय रिसीवर में। यहाँ पे जो डेटा आपको मिला है वो स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू इंटेंट जो है हमारा ये इंटेंट, उसके द्वारा गेट एक्स्ट्रा, गेट एक्स्ट्रा से हमें क्या मिलेगा, बंडल मिलेगा। ठीक है, और उसमें से हम गेट स्ट्रिंग, ओके, और नाम क्या था उसका, मैसेज। ठीक है, इस तरह से रखते हैं और फिर उसको भी डिस्प्ले कर सकते हैं। पहले ये देख लेते क्या आ गया आउटपुट में, सेंड ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट सेंड हुआ। ओके, लेकिन इस हमारे रिसीवर की ये जो मेथड है वो अभी रन नहीं हुई। वो रन क्यों नहीं हुई, तो वो रन इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने अपने रिसीवर को, हमारा जो रिसीवर है उसको हमने रजिस्टर्ड नहीं किया है। वो रिसीवर जो हमने बनाया वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, मैनिफेस्ट फाइल में। उसको इंटेंट फिल्टर के द्वारा हमें क्या करना होगा, उसको रजिस्टर करना होगा। एक्शन वहाँ पर हमें क्या लिखनी होगी, माई डॉट इंटेंट, मतलब कि हमने जो इंटेंट बनाया वो माई डॉट इंटेंट, उसका हमने नाम रखा है। क्योंकि जैसे ही हमने सेंड ब्रॉडकास्ट पे क्लिक किया, ब्रॉडकास्ट सेंड हुआ, लेकिन हमारे इस इंटेंट को मिला नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं था। अब वो रजिस्टर हो गया है, तो उसे भी एक उसकी जांच, उसकी इत्तला की जाएगी कि भाई ये ब्रॉडकास्ट हुआ है और आपको ये इसकी हम जांच करते हैं, सेंड ब्रॉडकास्ट, और ये हमारा ब्रॉडकास्ट सेंड हुआ माई इंटेंट। और अगर मैसेज भी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो मैसेज जो पास हुआ वो यहाँ पे हम पास कर देते हैं MSG, तो वो मैसेज भी प्रिंट होगा जो हमने वहाँ से पास किया है। ठीक है, ये अपनी एक्टिविटी अभी वापस इंस्टॉल हो रही है दोबारा, और ये इंटेंट को हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो उसका मैसेज जो है वो हमने एक वेरिएबल में ले लिया है, और है ना, दिस वॉज ब्रॉडकास्टेड ऐसा मैसेज हमने यहाँ से पास किया है, दिस वॉज ब्रॉडकास्टेड इंटेंट में, तो उसी को हमने यहाँ पे इंटेंट में से वापस निकाला। ठीक है, बंडल का ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे ही यहाँ पे रिट्रीव करके उसके द्वारा प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें आपको ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज के बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।